एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला को बिग बॉस में घर वालों ने बदतमीज कंटेस्टेंट का टैग दिया है। उन पर लड़कियों के साथ तमीज से बात ना करने के आरोप लगते रहे हैं। सिद्धार्थ को शो में कई बार दूसरे कंटेस्टेंट को गाली गलौज करते देखा गया है। बीते एपिसोड में सिद्धार्थ ने रश्मि देसाई को गाली दी, लेकिन सिद्धार्थ का गाली देना शॉकिंग नहीं था, बल्कि मेकर्स का इसे बीप ना करना ज्यादा सरप्राइजिंग था। बिग बॉस हाउस में सुबह होने के बाद भी घरवाले अपने बेड पर पड़े हुए थे। सभी को नींद आ रही थी। कई कंटेस्टेंट लेटे थे तो कई बेड पर बैठे थे। रश्मि को देख सीक्रेट रूम में बैठे सिद्धार्थ पारस से कहते हैं कि इससे उठा नहीं जा रहा है, मैं देखना चाहता हूं कि रश्मि कब लेटेंगी। तभी सिद्धार्थ ने रश्मि के लिए कहा, यार लेट नहीं रही है। बिग बॉस के हर सीजन में कंटेस्टेंट एक दूसरे को गाली देते हैं, लेकिन शो प्राइम टाइम पर टेलीकॉम कास्ट हो या लेट नाइट शो में हमेशा से ही अब शब्दों और गालियों को बीप किया जाता है। इस सीजन में भी कई बार गाली गलौज की गई है, हर बार शब्दों को बीप किया गया है। बीते एपिसोड में मधुरिमा ने विशाल आदित्य सिंह के लिए अपशब्द बोले, जिसे मेकर्स ने म्यूट किया। ऐसे में सिद्धार्थ के मुंह से निकली गाली को बीप ना करना हैरान करता है। पिछले एक एपिसोड में सिद्धार्थ ने रश्मि के बारे में बताते हुए कहा था, मैं रश्मि का नेचर नहीं जानता था, मैंने इसको देखा फिर इसके बाद उसकी हरकतें देखने लगा, मैं रश्मि के बारे में बहुत अलग सोचता था, लेकिन उन सभी चीजों में झोल था। फिर बाद में उसको लोगों के साथ देखा, जाना कि कैसे वो लोगों के साथ घूम रही है, कैसे उन लोगों को रख रही है, इससे किसी इंसान के बारे में काफी कुछ समझ में आता है।